की जहां पे कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं वहां पे आप होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। राकेश ने बहुत ठोक बजा के यहां पे बात की कि हमारी भारत पंडित जी, मैं आपको पूरा डिटेल में इसमें डॉक्यूमेंट दूंगा। एक बात बोली जिसको बात को गवर्नर साहब ने हाईलाइट किया, मुकेश जी अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अचीव्ड एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान। कश्मीर में दो झंडे लगते थे, अब एक लग रहा। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक हो गया। जो हमारे हिंदू भाई, क्या वो हिंदू हो, जो कैटेगरीज डिफाइन की गई है पांच, वो सब के सब आपके सामने रखी गई, वो लोग क्योंकि पाकिस्तान इज ए मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट, वो मुस्लिम स्टेट है इसलिए वहां पे मुस्लिम्स के लिए पूरे राइट्स। वैसे आंध्र आपने अफगानिस्तान में इज ए मुस्लिम स्टेट। अब यहां के जो शरणार्थी हैं बांग्लादेशी हिंदू इज ए मुस्लिम स्टेट, यहां के जो हिंदू निकलकर यहां पे आए और उनको हमने यहां पे सहारा दे दिया, बड़े भाई होने के नाते हमने कोई पाप कर दिया? आपने एक लफ्ज नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी जहां जहां पे आपकी सरकारें हैं आप सीएए का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। आप इस बात के बहुत दोषी हैं। आप में आशा जी आप में दम होता आप खड़े होके इसका विरोध करते, इस विधानसभा में खड़े होकर विरोध करते, अगली बार आपके नौ नहीं आने यहां पे। क्या बात कर रहे हैं आप? आज ये देश हित की बात जो इस पूरे देश में हो रही है, आज द कंट्री इज स्टैंडिंग बाय नरेंद्र मोदी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट अस। और इसलिए आज हम एक प्राउड इंडियन होने के नाते, एक प्राउड इंडियन होते रहते, नॉट एज ए बीजेपी मैन, एज ए ट्रू इंडियन। आज हमें इस बात का ऐसा फकर है। पंडित जी आई विश आपको तो पंडित बोलते भी शर्म आ रही है मेरे को। फिर आपने बहुत बड़ी बड़ी आज बातें यहां पे मुकेश जी की, आपने कहा ये हो गया वो हो गया। यहां पे एक गवर्नर साहब ने पढ़ा, एन अमाउंट ऑफ 597 करोड़ रुपीज हैज बीन डिस्पर्स टिल 21 जनवरी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि। आया पैसा ही नहीं आया? आया वैसे नहीं आया? नहीं, बाकी तो आप घर में छाप के दे रहे हो ना। सुखू जी जरा, आपने कभी जिंदगी में सुखी नहीं होना, आप चुप रहो जरा। आप बोलते आया कि नहीं आया? आया 6000 रुपए खाते में नहीं आया? सच्चाई बोलो, क्या आया खाते में नहीं आया? 1,75,000 महिलाओं के घर में चूल्हा आया कि नहीं आया? आया, कहां से आया? पैसे देकर आया, मुफ्त नहीं आया, द्वारा नहीं लाया हमने। आप क्या शांत रहेंगे, सभी सदस्य शांत रहेंगे। राकेश जी, जी सर, राकेश जी आप चेयर को एड्रेस करें। राकेश जी, हाँ जी, आप चेयर को एड्रेस करें। सर सर, आपने आज बड़ी बड़ी बातें की यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें मुकेश जी की। आपने यहाँ पे कहा कि आपको ना कहा ये नहीं आया। मैंने अभी आपको बताया कि किसान निधि में कितना आया, गैस में कितना आया। आप तो पेंशन देते हैं बुजुर्गों को 80 साल की उम्र में, तब तक बुजुर्गों का मजलूम बचता कोई नहीं था। अब 70 साल में 2.25 लाख को पेंशन मिली, कोई झूठ किया, कोई पाप किया हमने, कोई गलत कर दिया? 1,70,000 लोगों को पेंशन मिल गई है 2 साल के अंदर। अभी तो मुकेश जी 2 साल हुए हैं, हुआ क्या, काले क्यों पड़ गए आप? अभी तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो तो आनी है साल आपकी सारी, ये सारा का सारा पैसा आना, ये सारे के सारे नेशनल हाईवे बनेंगे जनाब, इसके ऊपर ही आपकी गाड़ियां भागेंगी, आप चिंता मत करें, और इसी के ऊपर गाड़ी भाग के आपको घर भेजेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे थे सुखू जी, फिर वही बात आ गई ना, आपको पता नहीं कौन सी मूवी बवसीरा जो बैठे बैठे बोली जाते हैं आप। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ग्लोबल इंडस्ट्री मीट, आप खुद मेरे बड़े भाई इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, अध्यक्ष महोदय ये बताएं, ऐसे इंडस्ट्री मिनिस्टर, इन्होंने इंडस्ट्री के लिए क्या किया? हरोली में बड़े बड़े पहाड़ मिट्टी के खोदे, करोड़ों रुपए लगा दिए वहां पर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री एक नहीं आई। और कम से कम सुनिए जरा, आपने जितने करोड़ रुपए हरोली के इंडस्ट्रियल एरिया पे खर्च कर दिए ना, पुट दिए, बर्बाद कर दिए, उसे आधे पैसों में हमने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट करा के रख दी। आप आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, हम आए तो पैसा कहां से आया? कमाल हो गया जी।